पाश्चात्य स्वर सत्ता के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि पाश्चात्य स्वर सत्ता कैसे बना। पाश्चात्य स्वर सत्ता में सबसे पहले बना पाइथागोरियन स्वर सत्ता, जिसका आधार था षड्ज पंचम भाव। अब इससे पहले मैं आपको षड्ज पंचम भाव के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। षड्ज पंचम भाव जो बना था वो हमारी आंदोलन संख्याओं के आधार पर बना था, तो उसमें साकी आंदोलन संख्या थी। जैसे साकी आंदोलन संख्या है 240, इसको डेढ़ा किया तो जो स्वर आया वो 360 पर प आया, इसको डेढ़ गुना किया 360 पर प आया, फिर इसको डेढ़ा किया तो जो आंदोलन संख्या है उसको बजा कर देखा तो वो तार सप्तक का नहीं आया। इस तरह से हम जो स्वर डेढ़ा करते हुए जो चलते चले गए वो सिर्फ वो जो स्वर सप्तक बना था वो षड्ज पंचम भाव का स्वर सप्तक था, और उसका आधार लेकर महान विद्वान पाइथागोरियन ने एक स्वर सप्तक बनाया। उसमें उन्होंने क्या किया कि साकी आंदोलन संख्या को तीन बटा दो से गुणा किया तो 360 आ गया, इस पर आ गया प, ये साकी आंदोलन संख्या, ठीक है। उसके बाद 360 को उन्होंने फिर वापस से किया, तीन बटा दो से किया तो वो आया 540 पर रे तार संख्या। अब रे की आंदोलन संख्या को इन्होंने किया 540 को आधा कर दिया, 540 को आधा करके 270 पर जब उन्होंने देखा तो उस पर आया हमारा मध्य सप्तक का रे। इसी तरह फिर इन्होंने 270 को 270 को 3/2 से गुणा किया तो आया 405 पर धैवत, और फिर 405 को किया, फिर 405 इसकी आंदोलन संख्या को 3/2 से गुणा किया तो ये आया 607 बटा 1/2 पर तागंधार। और फिर इस 607 से ही 1/2 को आधा कर दिया तो ये आ गया 3/4 पर आया हमारा मध्य दर। तो इस तरह से जो हम करते चले गए कैलकुलेशन, इससे जो स्वर सप्तक मिला इसको हम कहेंगे पाइथागोरियन स्वर सप्तक। इस तरह से ही पूर्ण सप्तक की स्थापना की गई, किंतु यह संतोष जो पाइथागोरियन स्वर सप्तक था यह संतोषजनक स्थिति में नहीं था, इसलिए उनको हमने क्या किया कि एक नए सप्तक को खोजा, जिसको हमने कहा अनुपात से, सरल अनुपात के द्वारा एक सप्तक खोजे। इसको फिर दोबारा सरल अनुपात के आधार
सब तक में हम सरल अनुपात के आधार पर सप्तक निर्माण बना, जिसमें स्वर सप्तक को अनुपात के उस पे किया, इसमें एक अनुपात एक कौमा नौ बटा आठ कौमा पांच बटा चार कौमा चार अनुपात तीन कमा तीन अनुपात दो कमा पांच अनुपात तीन और पंद्रह अनुपात आठ। इनसे कैलकुलेशन निकाल करके और आंदोलन संख्याओं को निकाला गया, जिसको जिसमें दो दो अनुपात एक पर आया षड्ज, जिसकी आंदोलन संख्या थी 240। इसके बाद रे आया 270 पर, ग आया 300 पर, म आया 320 पर, पंचम आया 360 पर, नैवत आया 400 पर और निषाद आया 450 पर। इन आंदोलन संख्याओं पर इस तरह सप्तक का निर्माण हुआ। ये सरल अनुपात के द्वारा तो अनुपातिक स्वर सप्तक भी कहा गया। इसमें इस सप्तक में भी एक कमी रही कि रे व ध के अतिरिक्त सभी में षड्ज पंचम भाव से स्थापना हो गई, लेकिन रे और ध फिर भी बेसुरे लग रहे थे। इसमें दो स्वर अंतर प्राप्त हुए, एक बड़ा और एक छोटा। ये जो स्वर सप्तक बना इसमें सा रे ग म प ध नी और सा, जो सप्तक बना इसमें सा 240, रे 270, ग 300, तीन सौ बीस, 360, 400, 450 और 540। ये इनकी आंदोलन संख्याएं थी और इसमें सा से रे से ग से म से प से ध से नी और नी से सा। ये बना इसमें जो अनुपात आया 9/8 ये ग और म का जो अंतराल था ये सबसे छोटा अंतराल था, इसमें 256/243 ये इसका था। फिर 9/8 फिर 9/8 फिर 9/8 और ये फिर से 256/243। गणितीय आधार पर हम देखें तो हमें दो स्वर अंतर प्राप्त हुए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े को हमने कहा 9/8 के स्वर अंतर को कहा हमने टोन, और छोटे 256/243 का जो स्वर अंतर था छोटा उसको हमने कहा सेमी टोन। तो ये दो स्वर अंतर वाला सप्तक इसको हमने कहा डायटोनिक स्केल। ये हमारा डायटोनिक स्केल था। इसके क्रम में ये हुआ टोन 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 सेमीटोन टोन 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 सेमीटोन। इस तरह से जो स्वर सप्तक बना इसको हमने कहा डायटोनिक स्वर सप्तक। अब ये सप्तक हमारे आधुनिक थाट में बिलावल के करीब था, पर इसमें क्या था गंधार जो था वो
वो बहुत सुरीला नहीं था, ये जो स्वर अंतर था ये ठीक नहीं बढ़ रहा था और गंधार सुरीला नहीं था, इसलिए फिर एक सप्तक के निर्माण हुआ जिसे कहते हैं नेचुरल स्वर सप्तक या सच्चा स्वर सप्तक। नेचुरल स्केल सच्चा स्वर सप्तक या नेचुरल स्केल, इस तरह से इसका आधार ऐसा बना। कई शताब्दियों तक नेचुरल स्केल चलता रहा। नेचुरल स्केल में मध्य सा की आंदोलन संख्या नहीं, मध्य सा की आंदोलन संख्या है आंदोलन संख्या है 240। अब इसको इन्होंने क्या किया, 240 इंटू 1/2 बराबर 120, ये आ गई हमारी मंद्र सा, ये आ गया हमारा मंद्र सा। अब इस और इस पर 120 इंटू 1, इस पे आया मंद्र सा 120 इंटू 2, इस पर आया हमारा मध्य सा 120 इंटू 3, इस पे आया प 120 इंटू 4, इस पे आया 480 पर आया तारसा 120 इंटू 5, 600 पर आया 600 पर आया तार सप्तक तार ग 120 इंटू 6 बराबर 720 पर आया तार पंचम तार प 120 इंटू 7, जिस पर आया 840 पर कोई शुद्ध स्वर नहीं, एक सौ बीस इंटू आठ 960 पर अति तार सा और 120 इंटू 9 1080 पर आया अति तार रे। इस तरह सा की आंदोलन संख्या से हमें चार स्वर नहीं मिले, कौन कौन से मिले, सा सा प ग और रे, ये हमें चार स्वर सा की आंदोलन संख्या से क्रमशः मिले। और इनको इन स्वरों को इस तरह से जो स्वर मिले उनको हम कहते हैं ओवरटोन्स या स्वयंभूप स्वर। ओवरटोन्स या स्वयंभूप स्वर इन्हें कहा गया। इसी तरह रे की आंदोलन संख्या से भी स्वर निकाले गए और गा की आंदोलन संख्या से, इस तरह से आगे पूरा सप्तक बनाया गया जिससे उन्हें अलग अलग स्वर मिले। इसमें इस तरह से म से उत्पन्न होने वाले स्वर थे म ध सा और प से प नी और नी। जब हम देखते हैं तो एक तरह से इसका बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही
किसके आधार पर हमने तानपुरों का निर्माण किया, हमने इससे जो संवाद स्थापित होते थे, जैसे साह हमंग अगर अच्छा खरज बजाते हैं तो हमें प तो सुनाई देता ही है, ग भी सुनाई देता है, और रे की ध्वनि बहुत सूक्ष्म होती है जो बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद ही सुनाई देती है। इसी तरह मध्यम को मिलाने पर माधा सा और प से पनी रे मिले और इसी से एक सप्तक का निर्माण हुआ। इसको कहा गया सच्चा स्वर सप्तक या नेचुरल स्केल। इसके स्वर निम्न तरह से थे। सा रे ग म प ध नी और सा। सा से रे, रे से ग, ग से म, म से प, प से ध, ध से नी और नी से सा। इसमें जो दूरी थी वो ये थी 9/8, 10/9, 16/15, फिर 9/8, 10/9, 9/8 और 16/15। इसमें तीन अंतराल मिले हमें 9/8, 10/9 और 16/15। तीन हमें मिले। इसमें आगे डायटोनिक स्केल में जब किया गया था, इसमें डायटोनिक में से एक छोटे अंतराल को हटा करके एक टोन और सेमीटोनिक कहा गया था, और वो दो टोन वाला सप्तक जो था पहले मैंने पढ़ाया वो डायटोनिक था, और ये हमारा सच्चा स्वर सप्तक था, और इससे ये हमारे भारतीय वाद्यों की वादन विधि को, वाद्यों को बनाने का, निर्माण करने का आधार मिला। इसके आगे इक्वली टेम्पर्ड स्केल और मेजर और माइनर स्केल आगे वाली श्रृंखला में मैं बोलूंगी। धन्यवाद।